हिंदू धर्म में चार धाम हैं और इनमें से एक जगन्नाथपुरी है। धर्म शास्त्रों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है और इस मंदिर से जुड़े कई हैरान करने वाले रहस्य हैं। धर्म पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है क्योंकि इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट मिट जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। जगन्नाथपुरी मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन उन चढ़ते समय तीसरी सीढ़ी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जगन्नाथपुरी की तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पड़ती हैं और तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा गया है और इस सीढ़ी पर पैर रखने वाले व्यक्ति को यमलोक जाना पड़ता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटते समय इस तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं और यमलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों से भूल न हो इसलिए मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी का रंग काला किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ के पास गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, इस मंदिर में आपके दर्शन करने से ही भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता। ऐसे में मनुष्य पापों से मुक्ति के लिए जगन्नाथपुरी पहुँच जाता है और दर्शन करते ही आसानी से उसके पाप मिट जाते हैं। यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान ग्रहण करें। जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य मिट जाएंगे और यमलोक प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।